सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको कॉलर नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने दोनों पीस रखे हुए हैं, आगे का भी और पीछे का भी। तो सबसे पहले हम इस पर चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई आप 2.5 इंच से 2.75 इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो इसकी चौड़ाई आप 3 इंच भी रख सकते हैं और इससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये निशान मैं 2.5 इंच पर लगा रही हूँ इस तरह से, और यहाँ निशान लगाकर हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि पीछे के हिस्से में भी हमारा चौड़ाई के लिए कट लग जाए। पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर दिया है और अब हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ, और लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो ये निशान आप 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और फिर देखिए, इस निशान को हम पहले इस तरह से मिलाएंगे और फिर इस तरह से, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। आगे के हिस्से की कटिंग करने के बाद हम पीछे का हिस्सा लेते हैं। चौड़ाई के लिए हमारा निशान लगा हुआ है और करीब 1/2 इंच की हम इसमें भी शेप देंगे इस तरह से। ये कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर करीब 15.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इसके ऊपर जिप लगानी है और जिप की लंबाई 16 इंच है, और उससे मैंने 1/2 इंच कम इसकी लंबाई रखी है। और इस पूरे हिस्से की हम कटिंग कर देंगे यहीं तक। देखिए, ये कटिंग करने के बाद मैंने एक पट्टी काटी हुई है, और देखिए इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो जो हमारा ये कट है, यहाँ तक हमारा कट है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो देखिए, यहीं तक, जहाँ तक ये कट है यहीं तक इस पट्टी को हम बीच में से काट देंगे। देखिए, इसके बाद हम इस पट्टी को अपने सूट के सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा एक कट है, यहाँ से हमें इस तरह से करना है, इस तरह से लाके फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से हम घुमाएंगे और बिल्कुल थोड़ी सी एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और फिर पट्टी की दूसरी साइड इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए, इस पट्टी को इस तरह से करते हुए हम इसको देखिए अंदर की साइड को इस तरह से ऐसे पलट लेंगे, और आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये पट्टी हमें इस तरह से अंदर की साइड को मोड़नी है, और इसके बाद देखिए हम इस तरह से इसको बराबर बराबर मोड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, नीचे से पट्टी हमें इस तरह से मोड़नी है, यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई हुई है। इसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़ते हैं। देखिए, और इसके बाद इधर से भी ये पट्टी इसी तरह से मोड़ेंगे। और देखिए, इसके बाद हम इसके ऊपर जिप लगाएंगे, और देखिए मैंने जिप को खोल के रखा हुआ है, और इसको देखिए पहले पट्टी के अंदर थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे, हल्का सा अंदर रखेंगे बस, और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, ये सिलाई आप इधर से भी लगा सकते हैं, अगर आप सीधी साइड से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप चैन की तरफ से भी ये सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम मशीन को उठाएंगे इस तरह से, मशीन के पैर, और थोड़ा सा देखिए इस जिप को थोड़ा सा हम बंद करेंगे इस तरह से, और फिर मशीन को हम यहीं पर रखेंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर
इसी तरह से यहाँ तक नीचे तक सिलाई लाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से दूसरी साइड ले आएंगे। देखिए मैंने यहाँ तक ये सिलाई लगा के मशीन को हटा लिया है और अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और फिर देखिए दूसरी साइड से भी हम वहीं से शुरू करते हैं, इसको जिप को थोड़ा सा अंदर रखेंगे, देखिए यहाँ से जो बाहर से दिखाई ना दे इस तरह से, और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ तक सिलने के बाद हम फिर मशीन के पैर उठाएंगे, यानी कपड़ा हटा लेंगे मशीन के अंदर से, और फिर जिप को इस तरह से बंद कर देंगे और थोड़ी सी जो हमारी ये सिलाई रह जाती है फिर इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी जिप लग जाती है। देखिए इसके बाद हम सबसे पहले अपना तीरा जोड़ते हैं, दोनों साइड से हमें इसी तरह से अपना तीरा जोड़ना है। देखिए तीरा जोड़ने के बाद हम अपना कॉलर नापते हैं इस तरह से, और ये देखिए करीब करीब 15 इंच है। देखिए मैंने 15 इंच लंबी कॉलर के लिए बुकरम की पट्टी निकाली है और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। और इसके बाद हम इसको देखिए बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए ऊपर की साइड हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए हमें कॉलर के ऊपर ये बॉर्डर लगाना है, तो इसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से रखते हैं और देखिए चारों तरफ ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इस तरह से। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप प्रेस से इसको चिपका लीजिए, और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो इस तरह से रख के आप यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। ये देखिए हमारी ये उल्टी साइड है और बाहर सीधी साइड है। देखिए इस तरह से इसको चिपकाने के बाद हम इतनी बड़ी एक पट्टी और लेते हैं और देखिए इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे बुकरम के बराबर बराबर में, और इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और बीच बीच में देखिए छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। देखिए कट लगाने के बाद हम अपने कॉलर को सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और देखिए इसको बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं और एक छोटा सा कट लगाएंगे बीच में। और इसके बाद देखिए हम अपना कॉलर लगाते हैं इस तरह से, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और देखिए ये हिस्सा हमारा सीधी साइड आएगा इस तरह से, और बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगाएंगे। देखिए एक साइड से सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे अंदर को, और बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है, और आप इस तरह से यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।